Assalamualaikum everyone, this is Bilal from Video Valley Sir. क्या आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने जा रहे हैं Z1 Smooth Q Gimbal को। ये मोबाइल फोन्स के लिए एक गिम्बल है और इसका फायदा ये मिलता है कि अगर आप लोग मोबाइल फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये आपके मोबाइल फोन को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चलते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपके हाथ की काफी ज्यादा मूवमेंट है तो ये उन सारी मूवमेंट्स को सेटिस्फाई कर देता है और आपकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्मूथ निकल कर आती है। अब अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 14,000 रुपए के अंदर आता है अगर आप इसे चाइना से बाय करते हैं, और अगर आप लोग इसे पाकिस्तान से बाय करते हैं तो पाकिस्तान की वेबसाइट्स के ऊपर ये 18,000 तक में अवेलेबल है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है ये मुझे गिफ्ट के तौर पर रिसीव हुआ है लाइट इन द बॉक्स वालों की तरफ से। उनने मुझसे रिसेंटली कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे कहा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे गिम्बल की जरूरत है क्योंकि मैंने अपने जो व्लॉगिंग चैनल है उसके लिए एक गिम्बल वैसे ही बाय करना था। तो आप लोग इनकी वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस गिम्बल के ऊपर मुझे किसी किस्म का भी कोई कस्टम टैक्स नहीं पड़ा, जो कि काफी हैरानगी की बात है क्योंकि मैंने इसको DHL के थ्रू ऑर्डर किया था लेकिन फिर भी मुझे कोई कस्टम टैक्स नहीं पड़ा। तो ज्यादा बात नहीं करते, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो अगर आप लोग इस गिम्बल के बॉक्स की बात करते हैं तो आपको ये व्हाइट कलर का बॉक्स मिल जाता है जिसके ऊपर वाली साइड पर लिखा हुआ है Z1 और यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है स्मूथ क्यू। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो चाइनीज में लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी Z1 की बैंडरिंग है। बैक साइड के ऊपर अगर आप लोग नजर डालते हैं तो कुछ लेबल्स हैं जिनके नीचे चाइनीज लिखी हुई है। मेरे ख्याल से ये फास्ट चार्जिंग के बारे में लिखा हुआ है, ये इसकी जॉयस्टिक के बारे में है। इसके अंदर 12 घंटे का बैटरी टाइमिंग है तो ये 12 घंटे बैटरी टाइमिंग को बता रहा है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसे आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो एसेसरीज हैं उसके साथ आपको एक केबल मिल रही है और आपको एक पता नहीं क्या मिल रहा है। बहरहाल हम इसको ओपन करते हैं, ये जेट ब्लैक कलर के अंदर है और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको बताना भूल गया था वो ये है कि इस गिम्बल की जो मुकम्मल रिव्यू वीडियो है वो आपको एक सेपरेट वीडियो के तौर पर मिलेगी। और मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर जो व्लॉग्स हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया जा सके कि ये गिम्बल किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जहाँ तक बात है इसके केस की तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक एक वायलिन का जो केस होता है उसकी तरह का केस मिल रहा है छोटे साइज़ में, और ये किसी हद तक हार्ड केस है। गिम्बल इसके अंदर मौजूद है, जिप को ओपन कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग गिम्बल है और ये देखने में काफ़ी हद तक प्लास्टिक की लुक प्रोवाइड करता है, ब्लैक कलर का है। ऊपर वाली साइड पर मेटल का यूज़ किया गया है। उसके अलावा आपको स्ट्रैप मिल जाते हैं, ये शोल्डर स्ट्रैप्स हैं ताकि आप इसका जो कवर है उसके ऊपर लगा सकें। उसके अलावा आपको एक माइक्रो USB की केबल मिल जाती है मेरे ख्याल से ताकि आप इस गिम्बल को भी चार्ज कर सकें, और अगर आप इसके ऊपर एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लगा रहे हैं तो आप उस मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको Z1 की ब्रांडिंग मिल जाती है तो देखने में काफ़ी स्वीट सी केबल है। उसके अलावा आपको ये मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा मैनुअल है, काफ़ी सारे पेजेस हैं, और मेरे ख्याल से इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मैं इस मैनुअल को बाद में रीड करूँगा और देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है मैनुअल में। खैर, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो ये बना हुआ है प्लास्टिक से, मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से बना हुआ है। हाँ, इसका ये जो केज सा है ऊपर वाली साइड पर ये मेटल का बना हुआ है तो जहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन लगेगा वो जो हिस्सा है वो सारा मेटल का बना हुआ है और नीचे जो ग्रिप है वो प्लास्टिक की है। एक जॉयस्टिक है, उसके अलावा ये नीचे टिल्ट शिफ्ट कीज़ हैं ताकि आप जूम इन जूम आउट कर सकें। ये रिकॉर्डिंग का बटन है। साइड पर आपको मिल जाती है माइक्रो USB की पोर्ट। नीचे वाली साइड पर आपको ये जो होल नज़र आ रहा है ये बेसिकली ट्राईपॉड्स के लिए है तो आप इसको ट्राईपॉड के ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद कहीं दूर से मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइम लैप्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एज अ स्टेबलाइजर भी यूज़ हो सकता है और एज अ गिम्बल भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा नीचे वाली साइड पर ये जो USB पोर्ट है ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग के लिए है ताकि आप इसके साथ अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर लें, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो जाती है। अब मैं इस गिम्बल को सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। सो फाइनली मैंने गिम्बल को अनबॉक्स कर लिया है और इसके ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको भी सेटअप कर लिया है। आपको पहली दफ़ा थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती हैं। इस गिम्बल के ऊपर और नीचे वाली साइड पर दो नॉब्स हैं जिनको आपको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि जो मोबाइल फ़ोन है ये बैलेंस हो सके। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल फ़ोन किसी हद तक पहले ही बैलेंस है, और अब मैं इस गिम्बल को टर्न ऑन करूँगा ताकि आप देख सकें कि एक्चुअल में काम किस तरह करता है। इसके नीचे की तरफ रेड कलर का बटन है, अगर आप उसको दबा कर रखेंगे तो ये ऑन हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये
जो ये वाला एंगल है, जो अप डाउन वाला एंगल है, उसके ऊपर ये लॉक हुआ हुआ है तो मोबाइल फ़ोन मूव नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी साइड पर मूव करता हूँ तो ये आराम से उस तरफ मूव कर जाता है। और वीडियो के अंदर इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी स्मूथ निकल कर आती है। उसके अलावा इस गिम्बल की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से बना हुआ है। हाँ, इसके जो कंपार्टमेंट है जिसके ऊपर ये मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, ये जो सारा यूनिट सा है, ये मेटल का है, तो नीचे जो ग्रिप है वो प्लास्टिक है, ऊपर मेटल है, तो जहाँ पर मैटर करता है वहाँ पर आपको मेटल भी मिल रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल्स तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको एक रिकॉर्डिंग का बटन मिल रहा है, एक बटन आपके पास अवेलेबल है ताकि आप जूम इन जूम आउट कर सकें, और ये एप्लीकेशन से चेंज भी किया जा सकता है। उसके अलावा आपके पास मोड का बटन है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोड्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आपको ये जॉयस्टिक मिल जाती है जिसके थ्रू आप इसको पैन वगैरह कर सकते हैं, तो अगर आप इसके मोड को चेंज करेंगे आप इसकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी एक सेटिस्फाइंग सी चीज़ है। और मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था कि मुझे गिम्बल प्रोवाइड किया जाए, और फाइनली लाइट इन बॉक्स वालों ने प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ ये वॉयलिन वाला केस भी मिलता है। अब आज की इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको एक क्विक लुक प्रोवाइड करनी थी ताकि आप लोग देख सकें कि ये गिम्बल कैसा है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा, और अगर मैं नहीं लेकर आता तो मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लें, क्योंकि डेफिनेटली इस गिम्बल को मैं व्लॉगिंग चैनल पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूंगा और आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनकी वेबसाइट को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।